हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। सुबह के अभी 6:30 हो रहा है और अभी मैं आ चुका हूँ सरिये में, धान काटने के लिए आया हूँ। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ का व्यू, सरिये का खेत का व्यू किस तरह का है। इधर का धान सब कटा गया हुआ है और इधर तो बंधा भी गया है और इधर बांधने का है, देख सकते हैं दूसरे का खेत में। हमारा जो है ना इस खेत में कटना है, तो चलते हैं दोस्तों, काटना स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं सारा कटा गया इधर उधर का, एक दो खेत में बचा हुआ है इधर, नहीं तो इधर का सारा कट चुका है। तो अभी चलते दोस्तों सारे को काटते हैं। देख सकते हैं किस तरह का धान का पौधा है। चलिए दोस्तों तो काटना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने ये एगो पाह काट लिया, देख सकते हैं एगो पाह पूरा काट लिया और इधर अभी काट रहा हूँ। तो दोस्तों अभी चारों तरफ से जो है ना एक एक पाह चारों तरफ से काट लेता हूँ। तो इधर तो हो गया और इधर काटते हैं और चारों तरफ से एक एक पाह काटेंगे, उसके बाद में फिर बीच में काटेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, ये पाह को पूरा क्लियर करते हैं चारों तरफ से, चारों तरफ से क्लियर करके फिर मिलते हैं, देखते हैं कितना बजे तक पूरा होता है। लगभग एक घंटा हुआ काटा हुआ, स्टार्ट किया हुआ, तो देखते हैं। अभी दोस्तों 8 बज रहा है, चलिए चारों तरफ से काट लेते हैं एक एक पाह। तो तीनों तरफ से एक एक पाह काट लिया हूँ, तीनों तरफ से हो गया। देख सकते हैं इधर ये काट लिया, वो साइड से भी हो गया है और उधर से भी हो गया है। एक साइड से काटने का है, तीन साइड से तो दोस्तों हो गया है कटा हुआ, एक साइड से बाकी है, तो इसको काट लेते हैं। और दोस्तों गर्मी काफ़ी है, जब काम करते हैं तो पसीना से पूरी तरह से, देख सकते हैं पूरा गीला हो चुका है, पूरा शर्ट, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो चलते दोस्तों काट लेते हैं चारों तरफ से, एक पाह ही जो है ना काट लेंगे यारी वाला, तो पूरा चारों तरफ से एक एक पाह यानी कि चार को पाह काट लेंगे। तो चलते एक काट करके और फिर मिलते हैं। तो दोस्तों टाइम अभी 10 बजने वाला है, 5 मिनट बाकी है और देख सकते हैं इतना कटा होगा हो गया। एक कटने का था उस समय, तो एक कटा हुआ हो गया और इधर एक पाह तो कटा ही हुआ था साइड वाला, और इधर दो पाह काटे हैं, अढ़ाई गो पाह मान सकते हैं, एक ये है छोटा वाला और ये दू गो। तो काट लिए अभी दोस्तों 10 बज गया है। तो दोस्तों चलते हैं घर पे, भूख भी लग चुका है, गर्मी काफ़ी है दोस्तों, काम करते हैं तो मेहनत होता है तो पसीना तो बहता ही है। तो चलिए दोस्तों अभी काट लिए धान और इतना है, आधा से थोड़ा अभी कम कटा है, आधा एगो दू गो पाह दू गो और पाह काटते ना तो आधा हो जाता। तो चलते हैं, भूख लग गया है, खाना खा के देखते हैं आ होता है कि नहीं, क्योंकि ये रह जाएगा तो कल काटेंगे। और आज छठ पूजा भी है, तो आज संझिया घाटे है, तो 2-3 घंटा समय था तो आ गए हैं काटने, तो काट लिए अभी दोस्तों। चलते हैं घर पे और घर पे चल के स्नान स्नान करेंगे, चलिए मिलते हैं घर पे। तो दोस्तों अभी आ गया हूँ पंचायत भवन के पास में, इधर पंचायत भवन है और इधर स्कूल है प्राइवेट छोटा सा। तो चलते हैं दोस्तों पानी पीते हैं, क्योंकि प्यास लग चुका है आते आते, अरे खेत में था तभी प्यास लग गया था, इसलिए आ गए, नहीं तो एक घंटा और काटते हैं। चलिए अभी पानी पीते हैं, यहाँ पे कल है तो पानी पीते हैं फिर चलेंगे दोस्तों। प्यास के वजह से मुँह पूरी तरह से सूखा हुआ है, बेहालत हो गए प्यास के। तो दोस्तों अभी घर आ करके खाना खा रहे हैं, देख सकते हैं चावल है, सब्जी है और साग है, खाते हैं दोस्तों। क्या भी था तो पूरा गीला हो गया था, गंजी शर्ट तो सारे को निकाल दिया, पंखा चल रहा है दोस्तों, खाना खाते हैं। खाना खा करके और थोड़ा सा आराम करेंगे,